गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। सन 1708 की सुबह का समय है। सेवा सिमरन के बाद गुरु जी ने बंदा सिंह बहादुर और मुख्य सेवादारों को अपने पास बुलाया। रूहानी मुख पर प्रकाश झलक रहा है और आनंद में गुरु सिखों से वचन किए हैं। परमात्मा का हुक्म हुआ है कि हरि संदेश का सारा कार्य शब्द गुरु के हवाले करके और सिख संगत की बाह शब्द गुरु को पकड़ा कर आप सचखंड वापस आ जाओ। शब्द गुरु को गुरु गद्दी देकर और पांच प्यारों को संपूर्ण जिम्मेदारी देकर हम अपने घर वापस जा रहे हैं। किसी भी गुरु सिख ने वैराग में नहीं आना। गुरु शब्द सिमरन में जब कोई हमें याद करेगा, हम हाजिर होंगे। हरि संदेश ग्रंथ साहिब की भीड़ में कलमबंद है। इसको हर घर में पहुंचाने के लिए परमात्मा हर समय सिख जगत के अंग संग है। चिंता में नहीं रहना, निर्भय और निर्वैर होकर हर कार्य को संभालना है। गुरुजी के मुख से यह वचन सुनकर सिख संगत के चेहरे पर उदासी छा गई। सिखों के नेत्रों से नीर बह रहा है। बेजान हुई सिख संगत गुरुजी के मुख की ओर देख रही है। बंदा सिंह बहादुर को अपने पास बुलाकर संगत में खड़ा किया है। अपने हाथों से बड़ा सीरी साहेब बंदा सिंह बहादुर को पहनाया। पांचों तीर उतार कर बंदा सिंह बहादुर के कंधों पर सजाए। अपने हाथों से बंदा सिंह बहादुर का कमर कस किया। हुक्म किया कि हमारे ज्योति जोत समाने के बाद शूरवीर गुरु सिखों को साथ लेकर पंजाब रवाना होना है। वहाँ भाई दीप सिंह को साथ लेकर धर्म और राज का कार्य संभालना। धर्म कर्म में चलते हुए हमेशा सहज में रहना। हर कार्य में विघ्न के समय सिमरन द्वारा अकाल पुरख की आगे अरदास करनी। करामात से दूर रहना। गुरु सिख प्रचार के हम हर काम में गुरु घर का नौकर बनकर रहना। गुरु से विमुख होकर कोई कर्म धर्म नहीं करना। बंदा सिंह बहादुर ने गुरुजी की ओर से मिली शिक्षा को बड़े ध्यान से सुना। दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर वचन किए। आपने जो कृपा की है, इस बख्शीश में दास परीक्षा की हर घड़ी में खरा उतरेगा। शब्द गुरु की शरण में रहने कि बार बार ताकीद की बात गुरुजी ने संगत को फतेह बुलाई और गुरु सिख जत्थेदारों के साथ अपने तंबू में चले गए। कुछ पल गुरुजी हुक्म प्राप्त करने के लिए शून्य समाधि में लीन हो गए। गुरु सिख चुपचाप एक उदास लहर में गुरुजी के चरणों में शून्य बैठे हुए हैं। गुरुजी ने नेत्र खोले और पांच प्यारों द्वारा स्नान करने की ख्वाहिश प्रकट की। दूसरे तंबू में पांच प्यारे द्वारा गुरुजी के स्नान की तैयारी की गई। अपने हाथों पांच प्यारों ने गुरुजी को स्नान करवाने की सेवा की। हीरों से जड़ित केसरिया चोला पहनाया और दस्तार सजाई। त्रिगुणी संसार में आखिरी पल और सहज घर में सदैव सत्य के मिलाप के इस समय गुरुजी का नूर और रंग रूप देखा नहीं जा रहा। रहरासी साहिब का पाठ आरंभ हुआ और गुरुजी गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में आकर बैठे हैं। रहराई साहिब के पाठ की समाप्ति पर हुक्मनामा लिया गया। गुरुजी शीशा निवा कर उठे और गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब को देने के लिए पांच बार परिक्रमा की। एक नारियल और पांच
बताशे रख कर माथा टेका। सारी संगत को उन्होंने गुरु साहेब की बानी को सुनने पढ़ने और वाणी के अनुसार जीने की हिदायत की। गुरु जी का फुरमान है, आवो सिख सत गुरु के प्यारियो, गावो सच बानी, बानी तगावो गुरु केरी, बानिया सिर बानी, जिनको नदर करम होवे, हृदय तिन समानी। आज गुरुजी के लिए अलग अलग आसन तैयार नहीं हुआ। सचखंड जाने की तैयारी और आखिरी दर्शनों के लिए शब्द गुरु की हाजिरी में जमीन पर पातशाह आसन तैयार हुआ है। गुरुजी ने गुरु सिख सिद्धों व सिद्धिनियों से देर रात तक विचार विमर्श किया। सारी रात दीवान सजाए गए। रात के पिछले पहर पांच प्यारों को एक खास हिदायत दी गई। पांच प्यारों और गुरु सिखों ने बहुत ध्यान से सुनी। इस हिदायत के मुताबिक गुरु जी की सचखंड जाने की तैयारी हुई है। प्रभात काल गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में नमस्कार किया और सारी संगत को फतेह बुलाई। गुरु जी के स्वागत में सारी संगत ने खड़े होकर सिर झुकाकर फतेह का जवाब दिया। गुरु जी ने सबको अपने अपने स्थान पर बैठने का इशारा किया। सारी संगत गुरु जी के इर्द गिर्द बैठ गई। गुरु जी ने पलथी मारकर और पीठ टिकाकर आसन ग्रहण किया। पांच प्यारों में से एक प्यारा गुरुजी की बाई तरफ व एक प्यारा दाई तरफ बैठा है। बंदा सिंह बहादुर गुरुजी के चरणों की तरफ बैठा है। खास हिदायत के मुताबिक पांच प्यारों के मुख से वाहिगुरु शब्द द्वारा सिमरन हुआ। पांच प्यारों के संग में गुरुजी और संगत ने भी सिमरन शुरू किया। तीन घंटे गुरु मंत्र जाप द्वारा परमात्मा की उस्तत की गई। अंतिम प्रहर लगातार सिमरन करते हुए आकाश में बहुत जोर से बिजली चमकी। त्रिभुवन हिला देने वाले आश्चर्यजनक धमाका हुआ। इसमें शब्द से ध्यान अलग हुआ। सारी संगत ने नेत्र खोला। संगत सावधान हुई। भाई धर्म सिंह ने टेक को एक तरफ कर सिर के नीचे दोनों हाथ रख गुरुजी को सीधी लिटा दिया। दोनों तरफ से प्यारों ने गुरुजी की जुड़े हुए हाथ खोलकर बाजुओं की सीधी किया। भाई धर्म सिंह ने वैराग में खड़े होकर संगत को बताया कि गुरु प्यारों, साथ संगत जी, इस वक्त गुरुजी त्रिगुणी संसार का त्याग करके परमात्मा के चरणों में जा विराजमान हुए हैं। संगत शांत अवस्था में बैठकर अमृतमय कीर्तन श्रवण करेगी और गुरु देह की अंतिम दर्शन करेगी। रागी सिंह ने गुरु बानी गायन कीर्तन आरंभ किया। गुरुजी के वियोग में वैरागमयी कीर्तन ने संगत में बैठे हाजिरी की त्रिगुणी मेल का एक एक कतरा उतार दिया। इस वैरागी दिन में मेले मन साफ हुए, अज्ञानी मन को सूझी मिली। गुरुजी के निजघर वापस आने की खुशी में धर्मराज की कचहरी में छुट्टी की गई। काल अपने परिवार सहित गुरुजी के चरणों में आ पहुंचा और भवसागर बंद कर दिया गया। इस दिन जिस जीव ने भी शरीर त्यागा, सीधा निज घर का वासी बना, जन्म मरण कट गया। गुरु सिख जत्थेदारों द्वारा चंदन की लकड़ियों की अग्नि सजाया गया। गम के सागर में डूबी हुई संगत में किसी ने भी लंगर ग्रहण नहीं किया। सारा दिन शाम तक रागी सिंहों ने वैरागमय कीर्तन किया। खबर मिलने पर आसपास के इलाके में पहुंची संगत ने गुरु देह के अंतिम दर्शन किए।
कड़ा प्रसाद की देख तैयार की गई। मिट्टी तत्वों को अपने मूल अंदर समाने की तैयारी आरंभ हुई। रहरा साहिब का पाठ आरंभ हुआ। पाठ की समाप्ति पर हुक्मनामा लिया गया। पांच प्यारों के मुख से कीर्तन सोहेले के शब्द उच्चरित हुए। कीर्तन सोहेले के पाठ की समाप्ति पर पांच प्यारों के हाथ चिता पर गुरुदेह का आसन सजाया गया। संगत को चिता से थोड़ा दूर ही रखा गया। पांच प्यारे बंदा सिंह और गुरु सिख जत्थेदारों ने चिता को अग्नि भेंट किया। अग्नि प्रकट होते ही आसमान में बिजली चमकी। शब्द की गर्जना से आकाश गूंज उठा। आग झपकते के इशारे से चिता के चारों तरफ धुंधकार प्रकट हुआ। प्रकाश ही प्रकाश है। इस अनहद प्रकाश में अभ्यासी सिख जनों ने गुरुजी का निजघर में स्वागत होते देखा। धीरे धीरे यह धुंधकार नाम का प्रकाश गुप्त हुआ। सुबह होने तक रागी सिंहों ने शब्द गायन किया। कीर्तन की समाप्ति पर गुरुजी ने अतः प्रेम में गुरुजी के हुक्म के विपरीत अंगीठा टटोला गया। ठंडे अंगीठे से गुरुजी के दाएं बाजू में पहना हुआ कड़ा और छोटा सीरी साहेब प्राप्त हुआ। इस दृश्य को देख संगत को सूझ हुई कि गुरुजी अपनी गुरु सिख संगत के सदैव अंग संग सहाय है। चिता वाली खाक को उसके मूल गोदावरी के जल में प्रवाह कर दिया गया। गुरुजी का फुरमान है, सूरज किरण मिले जल का, जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।